नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल रिपोर्टर आनंद। दोस्तों वक्त है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों मेरा एक ब्लॉग चैनल है आनंद शुक्ला ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं नगर कोतवाली क्षेत्र से, जहां बेखौफ दबंगों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई। दिन दहाड़े फायरिंग के बाद आसपास के लोग भयभीत होकर अपने घरों की ओर भागे। नगर कोतवाली क्षेत्र के रूपापुर गांव में ललता यादव के घर आज दोपहर बेखौफ दबंग पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव वाले अपने घरों की ओर भागे। सूचना पर सीओ सिटी अभय पांडे भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद घंटे भर के भीतर ही फायरिंग करने वाले दोनों आरोपितों को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। दबंगों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुई। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत है और पीड़ित ललता यादव का परिवार भयभीत है। अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ शहर से है, जहां लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी ने पुलिस अधिकारियों को परेशान कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज एसपी खुद ही बैंकों की चेकिंग करने निकल पड़े। एसपी को देख पुलिस महकमे में हलचल मच गई और पूरे जिले में पुलिस ने बैंकों की चेकिंग कर तलाशी भी ली। सभी थानों की पुलिस को एसपी ने दिन में बैंक के आसपास चेकिंग करने का आदेश दिया है। पिछले तीन दिनों में कंधई और जठवारा इलाके में बदमाशों ने लूट की ताबड़तोड़ तीन घटनाओं को अंजाम दिया। इन तीन घटनाओं में एक भी बदमाश को पुलिस चिन्हित नहीं कर सकी। लूट की घटनाएं बढ़ने से पुलिस अधिकारियों पर दबाव बढ़ा कि इस पर किसी भी तरह से रोक लगे। इसी बीच आज सुबह एसपी सतपाल अंतिल दफ्तर जाने से पहले कचहरी रोड स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में पहुंचे। वहां संदिग्ध हालत में दिखे युवकों से बैंक में आने की वजह के बारे में पूछताछ की और उनके बैग की भी तलाशी कराई। फिर बाहर खड़े मिले लोगों से भी पूछताछ की, हालांकि किसी संदिग्ध के पास आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद एसपी ने संवेदनशील इलाके भुलियापुर में भ्रमण किया और फिर दफ्तर पहुंचकर जनसुनवाई करने लगे। एसपी के खुद बैंकों की चेकिंग पर निकलने की खबर मिलते ही सभी थानों की पुलिस सक्रिय हो गई। बैंक के भीतर चेकिंग करने के साथ ही जगह जगह चौराहे पर भी नाका लगाकर पुलिस वाहनों की तलाशी कर रही थी। अगली खबर बाघराय थाना क्षेत्र से है, जहां दर्शनार्थियों से भरी मैजिक पलटने से एक महिला की मौत हो गई। आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बाघराय थाना क्षेत्र के सिया गांव निवासी बिमलेश पुष्पाकर की पत्नी गीता पुष्पाकर गांव के लोगों के साथ मैजिक से दर्शन पूजन करने के लिए कड़ाधाम मानिकपुर गई थी, जहां पर सभी दर्शन पूजन करने के बाद घर लौट रहे थे। शाम करीब 4 बजे जैसे ही ये लोग बाघराय थाना क्षेत्र के छेंगुआ चौराहे के पास पहुंचे, तभी दर्शनार्थियों से भरी मैजिक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। मैजिक में बैठे लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को क्षतिग्रस्त मैजिक से बाहर निकाला। लोगों की मदद से सभी को उपचार के लिए सीएससी बाघराय ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही घायलों के परिजन भी सीएससी बाघराय पहुंच गए, जहां पर डॉक्टरों ने गीता पुष्पाकर को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां नौटंकी देखने गए दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की दो बाइक तोड़कर चकनाचूर कर दिया। कुंडा कस्बे के वैष्णो कॉलोनी निवासी अमरेश पुत्र हीरालाल बीते रविवार की शाम सद्दू का पुरवा में छेदी पटेल के घर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया हुआ था, जहां पर रात में नौटंकी का कार्यक्रम चल रहा था। देर रात नौटंकी देखने के दौरान वहां पर मौजूद पुत्तू उर्फ जगत लाल से कुछ कहा सुनी हो गई। अमरेश का आरोप है कि पुत्तू ने कहा सुनी के दौरान उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके भाई मदन को भी मारा पीटा और दोनों की बाइकों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। अगली खबर सांगीपुर थाना क्षेत्र से है, जहां इंटर की छात्रा का शव फांसी पर लटकता मिला। लालगंज थाना क्षेत्र के हंडौर निवासी लल्लू उर्फ इश्तियाक की 17 वर्षीय बेटी रुखसार अपने ननिहाल सांगीपुर थाना क्षेत्र के ककोरिया गोड़वा गांव में रहती थी। रुखसार पड़ोस के ही एक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा है। चर्चा के मुताबिक रविवार को दोपहर बाद करीब 2 बजे रुखसार को घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखा गया, जिसके बाद परिजन आनन फानन में उसे लालगंज सीएससी ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर मानिकपुर थाना क्षेत्र से है, जहां बारात में आई बोलेरो चोरी हो गई। रायबरेली के ऊंचाहर थाना क्षेत्र के महिमापुर गंगोली निवासी धीरेन्द्र कुमार पुत्र प्रेम प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार 17 अप्रैल की रात वह बारात में मानिकपुर नगर पंचायत के सभागंज चौराहा स्थित एक गार्डन में गया था। रात करीब 9:30 बजे बोलेरो खड़ी कर वह खाना खाने के लिए अंदर गया, लेकिन बाहर निकलने पर देखा तो बोलेरो गायब थी। गार्डन के बाहर दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बोलेरो चोरी की घटना कैद हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है।
अगली खबर नगर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां स्मैक संग पकड़े दो संदिग्धों को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। उनके पास से 14 ग्राम स्मैक बरामद हुई। नगर कोतवाली क्षेत्र के भंगवा से पुलिस ने रविवार को दो संदिग्धों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से 14 ग्राम स्मैक बरामद हुई। एक ने अपना नाम धर्मेंद्र कुमार वर्मा निवासी भंगवा और दूसरे ने बद्री प्रसाद गुप्ता निवासी टक्करगंज थाना नगर कोतवाली बताया। धर्मेंद्र के पास से 9 और बद्री के पास से 5 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों स्मैक तस्करी से जुड़े हैं। दोनों तस्करों को पुलिस ने जेल भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।